नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के मिलोनीगंज स्थित 3 मंजिला मकान में मां बेटी के घर पर लाश मिली है। शव का करीब 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद घोलपुर थाना पुलिस के साथ FSL की टीम मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है। महिला का नाम श्यामा बाई है, जो कि अपनी बेटी शिखा के साथ रहा करती थी। श्यामा बाई का एक बेटा भी है, जो कि 20 दिन से लापता है, जिसकी शिकायत शिखा ने घोलपुर थाने में की है। जिस 3 मंजिला इन मकान में मां बेटी का शव मिला है, उसी बिल्डिंग के सबसे ऊपर फ्लोर में श्यामा बाई की नंद भी रहती है। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट तो नहीं मिला है, लेकिन शिखा के मोबाइल में पुलिस को एक मैसेज जरूर मिला है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। घोलपुर पुलिस ने शव का पंचनामा कर PM के लिए मेडिकल कॉलेज भेज आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। रविवार की रात को श्यामा बाई के भतीजे गौरव साहू ने घोलपुर थाना पुलिस को सूचना दी कि मिलोनीगंज के पास 3 मंजिला मकान के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में बड़ी माँ और बहन रहती है। कुछ दिनों से वो ना ही घर से बाहर निकल रही है और ना ही आवाज आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा खोला तो देखा कि श्यामा बाई का शव पलंग पर पड़ा था, जबकि शिखा फांसी पर झूल रही थी। रात में अंधेरा होने के कारण कमरे की सील कर दिया। रविवार FSL फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के साथ घोलपुर थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार को मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक श्यामा बाई की एक बेटी शिखा है, जिसकी शादी पूना में हुई है। 2 माह पहले ही वह अपनी मां के घर आई थी। शिखा के बड़े भाई नितिन साहू भी यहां पर रहते हैं, जो कि बीते करीब 20 दिनों से गायब है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश में जुटी है। कल शाम को जैसे पता चला कि बदबू आ रही है, तो पूरे मोहल्ले के लोगों ने, चूंकि उस घर में क्या वो महतारी बिटिया अकेली रहती थी, उनका बेटा 10-15 दिन पहले आश्रम चला गया, शायद कहीं बाहर चला गया है, तो बदबू जब आई तो लोगों ने देखा कि क्या बात है, बदबू कैसे आ रही। जब पुलिस को खबर की, पुलिस आई, पुलिस ने आके देखा तो वहाँ महतारी बिटिया दोनों डेड बॉडी के रूप में पड़ी रही। क्या नाम है उनके? माँ का नाम श्यामा साहू है और बिटिया का नाम शिखा है। और कौन कौन था? बस महतारी बेटी रहते थे, क्योंकि ये बिटिया का केस चल रहा था शायद तलाक का पति से, तो उसी डिप्रेशन वगैरह में कुछ हो के उनने, तो ये अब हम लोग को अभी जानकारी लगी, क्योंकि ये लोग पहले बाहर रहते थे, अभी आए हैं 1-2 साल पहले। ताला खुला था या बंद? ताला तो बंद था, पुलिस ने ताला खोल के अंदर देखा है, तो और बाकी पुलिस की जांच चल रही है, जो भी होगा पुलिस देख के क्लियर करेगी। ये कौन सा क्षेत्र है, कहाँ? ये दक्षिण मिलोनीगंज पंसिल टॉकेज का हिस्सा है, पंसिल टॉकेज के एक हिस्से में लोग रहते हैं। आपका नाम? दिलीप साहू। अभी कल हमें रात में करीबन 7-7:30 बजे गौरव साहू करके हैं, जो इनके रिलेटिव हैं, तो उन्होंने सूचना दी थाने आकर के कि 3rd मंजिल में इनकी बड़ी मम्मी और बहन है, शिखा साहू और बड़ी मम्मी श्यामा साहू, तो वहाँ पे कुछ आवाज़ भी नहीं हो रही है और कुछ संदेहास्पद लग रहा है, जिस पर कल रात में ही तत्काल आकर के पुलिस ने घटनास्थल में, क्योंकि लाइट ना होने से और व्यवस्था ना होने से FSL की टीम जाँच नहीं कर सकती थी, तो उस पर कल रात में ही उसको सील बंद करके सुरक्षित रखा गया। फिर आज सुबह FSL की टीम और फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफर को बुला करके विधिवत चेक किया गया, तो 2 महिलाएं की बॉडी मिली है घर पे, जो एक वृद्ध महिला है श्यामा साहू, और ये है करीबन 70 साल की, और दूसरी जो है शिखा साहू, वो है 45 ईयर्स की। शिखा की मैरिज हो गई थी, जो पुणे में रहती थी, अभी भाई ने उसको साथ में लेकर के आया था, नितिन नाम है, और जो अभी नितिन यहाँ पर नहीं रह रहा है, वो भी 15-20 दिन से घर से कहीं और चला गया है, तो उस पर जाँच चल रही है अभी कि कहाँ है भाई अभी, और बहन और माँ और बेटी दोनों यहीं पर रहती थी, तो माँ और बेटी का शव मिला है। माँ की बॉडी जो है बिस्तर पे है और महिला फांसी लगाए हुए हैं, अभी जांच चल रही है कि मृत्यु किस कारण से हुई है। नहीं, अभी ऐसा नहीं है, जैसे भी जांच होगी पूरा, अभी बॉडी नीचे उतार करके पूरा घर का सर्चिंग किया जाएगा, उसके बाद फिर पता पाएंगे। हाँ, विवाद आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई है, तो उन्होंने बताया है कि इनका प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, पूर्व में ऐसा मतलब जमीन को लेकर के बुआ और बड़े पापा चाचा लोगों में
रहा है, तो अभी ऐसा कुछ अभी जानकारी हमारे पास में लिखा पड़ी में नहीं है, तो अभी इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। मैम, और ये सामने आ रहा है कि जो नितिन है वो जाने से पहले कोई व्हाट्सएप मैसेज ऐसा करके गया था? नहीं, अभी कुछ नहीं। फ़ोन हमने जब्त कर लिया है दोनों का, और सर्चिंग के लिए और पूरा सब चेक करने के बाद ही हम बता पाएंगे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।